अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। मैं हूं मोहम्मद तलहा, मेरे साथ अम्मार और उसामा। हम लोग इंशाल्लाह कराची कैंट से रवाना होने के लिए तैयार हैं। अच्छा अम्मार भाई, आप ये बताएं कौन सी ट्रेन पे हम जा रहे हैं? ये 17 मिल्लत एक्सप्रेस। अच्छा, जो फैसलाबाद जाती है। डब्बा नंबर हमारा क्या है? 17। चले इंशाल्लाह, जैसे जैसे आगे सफ़र होगा आपको दिखाएंगे खूबसूरत नज़ारे, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ का आपको बाद में बताएंगे। भाई ट्रेन जो है अपने प्लेटफॉर्म पर लग रही है, फैसलाबाद कराची जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस। जी तो ये हमारा डब्बा नंबर है 17। इसके आगे लगेज, उसके बाद फिर हमारा इंजन लगेगा। ये खूबसूरत नज़ारे कराची कैंट रेलवे स्टेशन के। इस वक्त हमारी ट्रेन का इंजन सामने से आता हुआ, हमार भाई बताए कौन सा है ये? HGMU 30। 8213। कंडीशन वाइज तो बहुत पुराना है, और वैसे भी अच्छा है। देखते हैं इसको आज। ये भाई जो है इसको जॉइंट कर रहे हैं ट्रेन के साथ। अपने सीट पर बैठ चुके हैं, दिसंबर है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही जो है ना ट्रेन रवाना होगी। बाहर का मंजर खूबसूरत। तो हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है कराची कैंट स्टेशन से। दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानल्लाह सफ़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा सफ़र खैर व आफियत के साथ करवाए और हमें मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। आमीन। तो ये हम कैंट स्टेशन से इस वक्त निकल रहे हैं। काफ़ी अरसे से झाड़ियाँ ऐसे ही मौजूद हैं। क्या ही खूबसूरत और क्या ही मज़ा होता जब इन झाड़ियों की जगह खूबसूरत और बहुत प्यारे से पौधे लगाए जाते, जो कि एक अच्छा मंज़र पेश करते। बहरहाल हमारा सफ़र जो है स्टार्ट हो चुका है। दफ़ा समझाया कि इस तरह बाहर निकलना सही नहीं है। खूबसूरत जाल बिछा हुआ ट्रैक्स का कराची कैंट स्टेशन पर। ये वॉशिंग लाइन जहाँ पर मैंने जो है वॉशिंग के लिए जाती हूँ।
खरीद हो जाएंगे। आपको ये बताता चलूं कि हम आज जा रहे हैं और कल पूरे एक साल बाद के बाद वापसी कराची आएंगे, समझ तो गया होंगे क्योंकि आज 31 दिसंबर 2022। आपको एक और मंजर दिखाऊं, हमारे साथ साथ एक इंजन जी। तो इस वक्त हम बिग रोड स्टेशन के बिल्कुल करीब हैं। आप जो है कराची का बहुत ही प्यारा म्यूज़ियम PF म्यूज़ियम जो है उसका नज़ारा कर सकते हैं यहाँ से साउंड के साथ। दवा मोबाइल के अंदर खजूर के दरख्त पूरे नहीं आ रहे, सो हम आपको दिखाएंगे पूरी पूरी झाड़ियाँ कराची। हमने खाना खा लिया और दोपहर का, हाँ क्योंकि हमने जिस हालत में गया तो वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि लंच भी लगे रहते। सामने देख सकते हैं आप ये वो जा रही है, ये PN से वापसी के लिए वाली सड़क है। यस अस्सलाम वालेकुम। 8:19 हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर हमारा स्टॉप गाड़ी का। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की, कुछ ना कुछ खाने का मिल जाए। ये है भाई हैदराबाद का स्टेशन, मुख्तलिफ केबिन्स मौजूद हैं लेकिन हम कुछ सही से चीज़ लेना चाह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के तमाम रेलवे स्टेशन पर कुछ भी आज तक अच्छा नहीं मिला खाने का। क्या ख्याल है हमारा, खास कर सिंध में, पंजाब में भी मतलब कुछ गुजारे लायक होता है लेकिन सिंध के अंदर माशाल्लाह जितनी बेकार चीज़ें सिंध के रेलवे स्टेशन पर मिलेंगी आपको, अच्छी चीज़ कोई भी नहीं मिलेगी। चलो देखते हैं कुछ मिल जाता तो फिर भाई। तो इस वक्त खाने का कुछ खास मिला नहीं है, हमने बस यही पापड़ मापड़ लेस मेस इन्हीं चीज़ों पे गुजारा करना है। क्या कर रहे हैं, कुछ उल्टा खा के बीमार नहीं होना चाह रहे, ऑलरेडी बीमार है। गरम गरम 3 कप चाय ली जा रही है
धुएं निकल रहे हैं भाई। अमार साहब चाय ले रहे हैं, साहब ने सब चाय का संभाला है। कितने की चाय भाई? 30 रुपए की। अल्लाह माफ फरमाए, कब पी तो देखे, मिलेगा और क्या। ₹30 महंगी है भाई। अब देख सकते हैं इस वक्त अम्मार साहब जो है रात का नाश्ता करवा रहे हैं। रात का नाश्ता। यस, सबसे पहले खुद खाते हुए, चाय ठंडी हो चुकी है। नॉट अ गुड बिस्किट। अस्सलामुअलैकुम, 9:34 इस वक्त हम पहुंच चुके हैं शहदादपुर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर 1 से 2 मिनट स्टॉप होगा। खूब अंधेरा है, आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाएंगे। नीचे उतर गए शहदादपुर, क्योंकि हम पहले एक दफा विजिट कर चुके हैं। हाँ जी, शदीद किस्म की ठंड है और बाहर हल्की हल्की धुंध है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, कहां पर पहुंच गए भाई? नवाब शाह के रेलवे स्टेशन पर। खूब अंधेरा, नॉट अ रोशनी। अमार भाई जो है वो 2 हफ्ते पहले यहाँ पर होके जा चुके हैं, तो सर्दी कम थी उस वक्त, थोड़ी सर्दी कम थी। हाँ, बड़ा मज़ा आया। हम नवाब शाह के बिल्कुल करीब पहुँचे, ज़्यादा लग रहा है मुझे, नवाब शाह का रश लग रहा है। अब ये इसका ये था नाम था। मस्जिद है हज़रत बिलाल मस्जिद, काफ़ी पुरानी मस्जिद लग रही है। वालेकुम, रोड़ी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, 2:20 हैं और चाय, सर्दी इंतहाई शदीद। यारों क्या हमें तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं,
और सिग्नल ग्रीन हो चुका है, अब यहाँ से हम रवाना होंगे इंशाल्लाह। कंपेयर टू कराची यहाँ सर्दी बहुत ही ज़्यादा है, मज़ा आ रहा है। और क्योंकि ज़री बात है सर्दी बहुत है। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं रहीम यार खान, जो क्या हमारा यहाँ तक सफ़र था रहीम यार खान तक। सुबह का क्या टाइम हो रहा है हमारे भाई? 5:35। कम से कम 2.5-3 घंटे हमारी ट्रेन लेट थी, लेकिन इसमें हमें फ़ायदा है, नुकसान नहीं हुआ, हम एक अच्छे टाइम पे पहुंच गए हैं। क्या आगे कर सकते हैं, खामोशी। सेवन अप तेजगाम एक्सप्रेस, रहीम यार खान 49051। माय फेवरेट ट्रेन। अच्छा जी, हम यहाँ पर फजर की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फजर की नमाज़ के लिए आया हूँ यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम रहीम यार खान शहर में घूम रहे हैं, नाश्ते के लिए जगह तलाश कर रहे हैं, देखते हैं कहीं पर अच्छा नाश्ता मिल जाए। बहरहाल फर्स्ट टाइम यहाँ आना हुआ है, इतनी ख़ास सफाई नज़र नहीं आ रही, सफाई का निज़ाम बहुत ही बुरा है। हाँ, बनिस्बत इसके फिर वो सिंध का एक इलाका शहदादपुर जब हम गए थे तो बनिस्बत इसके बहुत साफ था, लेकिन खैर देखते हैं। हाँ, फिर अपना भावलपुर या मुल्तान भी बेहतरीन है माशाल्लाह। खैर यहाँ इतना अच्छा नहीं है, सफाई शुरू हो जाए, हो सकता है। अच्छा जी, हम नाश्ते की तलाश में जो है रहीम यार खान की गलियों में घूम रहे हैं, देखते हैं कि इसे अच्छा नाश्ता मिल जाए। सर्दी रात में तो बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ बेहतर है मौसम। ये अंडर पास है छोटा सा, ऊपर से रेलवे ट्रैक है। अच्छा जी, हमारा नाश्ता आ चुका है, हलवा पूड़ी पराठे चने। लस्सी भी आ गई है भाई, लस्सी लस्सी। नाश्ता करने के बाद रवाना हो गया है, देखते रहेंगे यार खान में भी घूमने की जगह।
उसके बाद हमारा सफ़र कहीं और का, तो अभी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी हम चिंची के मज़े कर रहे हैं। अच्छा तो जी, सब हम आ चुके हैं रहीम यार खान के गांव में। धूप निकली भी है, काफ़ी सुकून माहौल है माशाल्लाह। तो हम रहीम यार खान के किसी गांव में घूम रहे हैं। यहाँ से इंशाल्लाह भी एक और जगह जाएंगे तो वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा तो जी, इस वक्त हम पहुंच गए हैं वाइल्ड लाइफ पार्क। बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये, बाहर से तो काफ़ी साफ सुथरा नज़र आ रहा है, अंदर आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी काफ़ी प्यारा है। बहुत खूबसूरत, सफाई के लिहाज से बहुत ही उम्दा बना रहा है। पल्ला नहीं पिया पता नहीं भाई, कुछ नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन लेकिन है यार बड़ी खूबसूरत। जो बात है, इसकी चोंच ऐसे लग रहा है जैसे वो खूबसूरत देख सकते हैं आप मोर। माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल। ये भाई रहीम यार खान का चिड़ियाघर है और काफी माशाल्लाह सफाई बहुत अच्छी है, इंतजाम अच्छा है, इनका साफ सुथरा बनाया हुआ बहुत ज्यादा। और ये आप ऊपर वाला देखें कितना खूबसूरत है, और ये ब्लू वाला तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर वाइट्स वाइट कलर के भी मौजूद है सामने। इसके अलावा ये वाला भी है, इसका भी हमें नाम पता नहीं है, नाम हमें किसी चीज़ का भी पता नहीं है। लेकिन ये भी जानवर मौजूद है यहाँ, जो कि बिल्कुल अकेला और उदास बैठा हुआ है। ओह क्या पर फैला हुआ है, ज़बरदस्त। हिरन के बच्चे ही समझ लें, छोटे छोटे से हैं बिल्कुल। वहाँ भी है एक, काफी प्यारे लग रहे हैं यार। एक बत्तख जो है वो गंगा पवित्र करते हुए, वो वाइट वाली नहा रही है ना, स्नान कर रही है। वाह, आप ये देखें माशाल्लाह खूबसूरती के साथ साथ इन्होंने जो है सफाई की है, उसकी वजह से खूबसूरती है जो बात है। लेकिन ये पानी जो है ये
थोड़ा सा गंदा लग रहा है, बहरहाल आप देख सकते हैं बंदा जी। नलका अमार भाई, आप नलका चलाएं ज़रा, आपको नलका चलाना आता है, हम आपको देखना चाह रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, अमार जट वट। जी क्या बात थी ना भाई। जी ए केड़ी शाय है ए तो बता के। ओ वो दे हिरन नहीं, हिरन नहीं, कैसे किस्म दी है हिरन। ओ है ए इनकी शक्ल जरी मार खोर नाल मिलती वदी। दुम उसामा को पकड़वा के दौड़ा। अबे तो दुम कटे पत्ता नहीं दी पूछड़ के सारे तक कप्पे हैं ना हैं छोटे छोटे देखा नाटी चीजें देख। ओए अमार आ गए एक मिलन आए। ओ क्यों रसा दे आ दसा अमार को तो दसा ठीक है तेको ए दा तेरा अपना है तो सके कोई ओ उदास ना थी उदास ना थी शहर में मिल गए विरा मिल गए तेरा आ गए देख दे दे आया वो तेरा ताया मर ओ कोई ना बीमार थी वो देख कपड़े चिकैसी है ना बुरा ए दा सब दा यार है अपना तो कोई है कहना चलो जान से ए बता ए बता है अब लाख दिल लहना तो ही रुस्ते बता बता है ना। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है ब्लैक वाली भी। उस साइड में बदख है तोते नहीं है। ये था चिड़ियाघर, सफाई के लिहाज से तो बहुत खूबसूरत है लेकिन चीज़ें यहाँ बहुत कम है, लेकिन इलाके और शहर के हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत है। क्या क्या ख्याल है हमारा? बिल्कुल कराची वाले चिड़ियाघर से बहुत अच्छा, वहाँ बना हुआ बहुत प्यारा है।